महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब, जो कि उद्धव ठाकरे के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं, अब वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अनिल परब को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से इनको गिरफ्तार करने को लेकर अपडेट आई, जब इनके खिलाफ़ में सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में ऑफिस में घर घुस कर मारपीट करने को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि अनिल परब भी अब बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बीएमसी अधिकारियों के साथ में कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब सहित 15 से अधिक लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो है अनिल परब की भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सोमवार को बांद्रापुर के निर्मल नगर इलाके में नगर पालिका इंजीनियर को कथित तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पार्टी के सदस्यों ने थप्पड़ मारा और उसके साथ मारपीट की। इंजीनियर पर एक अनधिकृत पार्टी कार्यालय को ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया था, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक सामान कार्यालय पर कथित तौर पर आंखें मूंदने का आरोप था। इसके अतिरिक्त शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने दावा किया कि इंजीनियर ने विध्वंस से पहले उनकी प्रतिमा को हटाने की अनुमति न देकर छत्रपति शिवाजी महाराज और पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का अपमान किया। बीएमसी के आयुक्त आईएस चहल ने घटना पर रिपोर्ट मांगी है और इसको लेकर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि कार्रवाई भी की जाएगी। मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था सत्यनारायण ने कहा कि पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान एच एस ईस्ट वार्ड के सहायक आयुक्त स्वप्रज